दोस्तों आजकल व्हाट्सएप सभी चलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है व्हाट्सएप के कुछ ऐसे फीचर्स जिसे आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम किशन है और आप देख रहे हैं डीजी किशन। गाइज, अगर आपको ये वीडियो एक ही बार में समझना है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे इसमें कि न्यू ब्रॉडकास्ट और व्हाट्सएप वेव। न्यू ब्रॉडकास्ट क्या होता है दोस्तों? न्यू ब्रॉडकास्ट ज़्यादातर ये ऑफिस के लिए ही यूज होता है, किसी कंपनी के लिए ही यूज होता है। न्यू ब्रॉडकास्ट को ओपन कर लेंगे। इसमें जितने मेंबर हम रखना चाहेंगे, जैसे किसी कंपनी का मैनेजर या ऑनर हो, वो अपने एम्प्लॉई को इसमें ग्रुप में ऐड कर लेता है। लाइक एज मैंने इतना ग्रुप को 16 मेंबर को इसमें ऐड कर लिया, और उसके बाद मैं एक ग्रुप क्रिएट करूँगा। ग्रुप क्रिएट हो गया, और जैसे मैं इसमें अगर कोई भी मैसेज अगर छोड़ता हूँ, तो जितने मेंबर को मैंने इसमें ऐड किया है सारे मेंबर को मैसेज चला जाएगा एक ही साथ। तो दोस्तों आपको ये कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि ये ग्रुप जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप में हम अगर कोई मैसेज करते हैं तो मैसेज तो सबको प्राप्त होता है, बट वहाँ पर ग्रुप लिखा आता है। दूसरी बात कि बंदे को पता चल जाता है कि वो किसी ग्रुप में ऐड हुआ है। तीसरी बात, आपको वो ग्रुप से रिमूव भी हो जाता है। इसी के लिए ये आपको बना हुआ है कि आप जैसे इसमें कोई मैसेज अगर हाई करते हैं तो ये पार्टिकुलरली पर बंदे को एक एक करके ये सारे मैसेज चला जाएगा। 16 बंदा को मैंने क्रिएट किया हूँ, तो सब पे चला जाएगा हाय हाय हाय, यानी कि सारे पे चला जाएगा, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो किसी ग्रुप में ऐड हुआ है। इससे कहने का तात्पर्य यही है फ्रेंड्स, कि हम एक ही बार में अपने मैसेज को सारे एम्प्लॉई के पास भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों व्हाट्सएप वेब। व्हाट्सएप वेब का मतलब ये होता है कि आप एक ही व्हाट्सएप को किसी दो डिवाइस में चला सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल में चला रहे हैं, उसके बाद आप किसी दूसरे मोबाइल में चलाएंगे, या आप किसी लैपटॉप में चला सकते हैं या डेस्कटॉप में चला सकते हैं। कैसे वो देखिए दोस्तों, मैंने इसको स्कैन कर दिया, और स्कैन करने के बाद ये मैंने अपना एक्सेस दे दिया। एक्सेस दे दिया तो दूसरे डिवाइस में ये चलेगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। अब हम चलेंगे सेटिंग में। सेटिंग में के बाद अकाउंट में चलेंगे। अकाउंट के बाद हम चलेंगे प्राइवेसी में। दोस्तों बात यह है कि अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड है, किसी तरह का कोई फ्रेंड है जिसे आप चाहते हैं कि मैं उस फ्रेंड का स्टेटस देख लूँ, और उस फ्रेंड को पता भी नहीं चले कि मैं उसका स्टेटस देख लिया हूँ, जैसे वो वीडियो वाला स्टेटस लगाते हैं ना, इसके लिए क्या करना होगा, रीड रिसिप्ट पे है ये, आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको ओके रहता है, इसको हमको करना है ऑफ कर देना है, जिससे क्या होगा कि हम कोई भी स्टेटस देखें और उसे पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद दोस्त एक और ऑप्शन है ग्रुप्स। ग्रुप्स में क्या होता है, बिना मेरे परमिशन के मुझे कोई ग्रुप में ऐड कर देता है। अगर एवरीवन हुआ तो दोस्त इसका मतलब ये हो गया कि मुझे कोई भी अपने ग्रुप में मेरे नंबर को ऐड कर सकता है। अगर मैं चाहूँ कि मेरा ही कॉन्टैक्ट के जो मेंबर है वही मुझे ऐड करे, तो मैं माय कॉन्टैक्ट में कर दूँ, और मैं चाहूँगा नहीं कुछ खास लोग ही मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें, तो इसके लिए मैं माय कॉन्टैक्ट में चले जाएंगे। जिसको हम एक्सेस देना चाहेंगे उसको हम टिक कर देंगे। अगर हम चाहेंगे कि मेरा किसी भी ग्रुप में मेरा नंबर ऐड ना हो, तो इसके लिए हमको किसी पे भी टिक नहीं करना है, यहाँ से कर देना है ओके। दोस्तों आप मेरे इस नंबर को, इस व्हाट्सएप को कोई ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता है। चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए
तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।